सुप्रभात। आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज आपको मैं वसंत भाग 3 का पाठ 18 टोपी पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी के लेखक हैं सृंजय, और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक मादा गौरैया व एक नर गौरैया के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार राजा अपनी प्रजा से मुफ्त में काम करवाने में संकोच नहीं करता था। प्रजा अभावों में जीवन गुजर बसर कर रही थी और राजा को इस बात का पता भी नहीं था और न राजा पता करना जानता था। राजा को यह जानने की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही थी। सामाजिक सरोकारों से युक्त यह कथा राजा और प्रजा के बीच जो शोषण का संबंध है उसी को का बोध कराता है। तो सर्वप्रथम पाठ पढ़ते हैं। पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने राजा और प्रजा का जो संबंध है और बीच में जो वो राजा प्रजा का शोषण करते हैं उसका एक सजीव चित्रण यहाँ पे किया गया है। कह रहे हैं कि एक थी गौरैया और एक था गौरा। एक थी गौरैया और एक था गौरा। गौरैया एक प्रकार की चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया, और दूसरा था गौरा नर गौरैया। नर गौरैया को गौरा कह रहे हैं और मादा गौरैया को गौरैया कह रहे हैं। दोनों एक दूसरे के परम संगी परम संगी माने प्रिय मित्र थे। दोनों एक दूसरे के बड़े ही प्रिय मित्र थे। जहाँ जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते, भिनसार होते ही होते से निकल पड़ते दाना चुगने, और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों जो गौरा और गौरैया थे दोनों एक दूसरे के परम मित्र थे। जहाँ भी वे जाते थे एक साथ ही जाते थे, जब जाते थे एक साथ ही दोनों रहते थे, दोनों ही एक साथ सुख दुख के साथी थे, एक साथ खाते पीते थे, एक साथ सोते थे, माने कि सब दिन भर का उनका एक साथ था। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने। भिनसार मतलब होता है प्रातःकाल। भिनसार यानी कि प्रातःकाल। प्रातःकाल होते ही वे दाना चुगने के लिए निकल पड़ते थे अपने खोते से, और उसके पश्चात वे झुटपुटा होते ही, जैसे ही शाम ढलने को होती माने जरा सा उजाला कम हो जाता था, उजाला समाप्त होने लगता था, झुटपुटा होने लगता था, तो वे अपने खोते में, खोते यानी कि घोंसले से सवेरे भिनसार होते ही निकलते थे, और जैसे ही शाम ढलने लगती तो वे दोनों अपने घोंसले में आ जाते थे। थकान मिटाने और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते, और दिन भर में जो भी उन्होंने देखा सुना होता था वे सभी आपस में उन पर विचार करते थे, बातचीत करते थे, एक दूसरे से अपनी भावनाओं को बांटते थे। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। एक दिन शाम को गौरैया जो है अपने नर गौरे से बोली कि तुम आदमी को देखते हो वे कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, मतलब कितने सुंदर रंग बिरंगे कपड़े वे पहनते हैं, तुमने कभी आदमी को देखा है, कितना फबता है उन पर कपड़ा। फबना यानी सुंदर लगना, कि वे कह रहे हैं कि कपड़ा जो है उन पर कितना सुंदर लगता है, वे जो कपड़े पहनते हैं वे उनके ऊपर कितने सुंदर लगते हैं। खाक फबता है, गौरैया तपाक से बोला,
तपाक से मतलब झट से, तो उसको उसकी बात सुनते ही झट से गौरैया गौरा बोला कि खाक फपता है, मतलब फालतू बात है ये कि उनके ऊपर कपड़ा अच्छा लगता है। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। वो कह रहा है कि कपड़ा पहनने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है, बुरा लगने लगता है, क्योंकि कपड़े से उसकी जो वास्तविक सुंदरता है वो ढक जाती है। लगता है आज लटजीरा चुग लिए हो, लगता है आज लटजीरा चुग लिए हो, लग रहा है कि तुमने कुछ ऐसा खा लिया है जिससे कि तुम्हें सब उल्टी बात समझ में आ रही है। गौरैया बोली, बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। कुदरती यानी प्राकृतिक, जो उनकी प्राकृतिक सुंदरता है वह तो सब ढक जाती है कपड़ा पहन लेने के बाद। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। अब गौरा उसे समझाता है कि वह ऐसा क्यों कह रहा है कि कपड़े से जो है मानुष यानी मनुष्य बदसूरत लगने लगता है। वह कह रहा है कि अब तुम अपना ही उदाहरण ले लो कि अभी तुम जो है तुम्हारे अंदर जो को तुम्हारी जो सुघड़ काया, सुघड़ माने सुंदर, सुघड़ यानी कि सुंदर, तो जो तुम्हारी सुंदर काया यानी शरीर, काया यानी कि शरीर, तो जो तुम्हारी सुंदर काया है, जो तुम्हारा सुंदर शरीर है, उसका एक एक कटाव माने एक एक अंग अंग जो है उसकी सुंदरता जो है मेरे सामने है। रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है, मतलब हर रोआ जो है रोए रोए में जो सुंदरता है वह मैं अनुभव कर रहा हूँ। अगर तू ही मानुष की तरह, मानुष यानी मनुष्य की तरह यदि तुम सिर से पांव तक सरापा यानी कि सिर से पांव तक सरापा, कह रहे हैं कि वो गौरा जो है वो गौरैया से कह रहे हैं कि अगर मनुष्य की तरह तुम भी अगर अपने आप को सिर से पांव तक ढक लोगी तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी, तो तुम्हारी जितनी सुंदरता है वह सब खत्म हो जाएगी कि नहीं। वह गौरैया को समझाते हुए कहता है, केवल कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। गौरैया जो है वो कहती है कि कपड़े जो मानुष पहनता है, मनुष्य जो कपड़े पहनता है वह केवल अपने सुंदर लगने के ही लिए नहीं पहनता, बल्कि वह मौसम की मार से यानी मौसम की जो मौसम से जो तकलीफ होती है शरीर को उससे बचने के लिए आदमी पहनता है। जैसे ठंड में ठंड से बचने के लिए, गर्मी में गर्मी से बचने के लिए, बरसात में बरसात से बचने के लिए, तो इस प्रकार मौसम अलग अलग मौसम में मौसम की जो मौसम से जो तकलीफ होती है उससे बचने के लिए भी इंसान कपड़े पहनता है। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है और इस कपड़े से बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। गौरव से समझाता है, कहता है कि तुम समझती नहीं हो, कपड़े का अलग अलग पहनने से अलग अलग उसका प्रभाव भी होता है। पहला तो कह रहा है कि गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की जो उनकी शक्ति है, सकत यानी कि शक्ति, तो जाड़ा गर्मी बरसात की जो सहने की जो शक्ति है, बर्दाश्त करने की जो शक्ति है इंसान की,
वह समाप्त हो जाती है। करें और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा है, करें इस कपड़े से में बहुत झमेला भी है। कपड़ा पहनने की पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, करें कपड़े से इंसान की हैसियत पता चलती है कि वह धनी है कि गरीब है। इस कपड़े से पहनने से ये भी एक मुश्किल है, कपड़ा केवल एक तो उसका जो है उसकी मौसम की मार को सहने की सीमा उसकी जो शक्ति है वह खत्म हो जाती है, और दूसरे उसके पहनते ही कपड़े पहनते ही उसकी जो औकात है उसकी मतलब कितना उसके अंदर शक्ति है, कितना वो पैसे वाला है, ये सब भी समझ में आ जाता है, उसकी हैसियत समझ में आ जाती है। आदमी आदमी में ये भेद भी पैदा करता है, कपड़े जो है इंसान इंसान में भेद पैदा कर देते हैं, कौन धनी है कौन गरीब है, ये जो भेद है ये कपड़ों से पैदा हो जाती है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गौरैया बोली। गौरैया कहती है कि इतना सुनने के बाद भी गौरैया अपने बातों में अड़ी रही, बातों पर अड़ी रही, और वो कहती है कि इतना होने के बाद ही जो तुम अलग अलग इसके फल बता रहे हो, परिणाम बता रहे हो, लेकिन उसके बावजूद जो है इंसान कपड़े पहनने से बाज नहीं आता, मैंने कपड़ा पहनना तो छोड़ता नहीं है। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। लिबास मने वस्त्र, पोशाक, लिबास यानी पोशाक, तो रोज जो है इंसान नए नए कपड़े सिलवाता है, नए नए पोशाक सिलवाता है, यानी इंसान जो है कपड़े पहनना नहीं छोड़ता। अब ये कह रहे हैं कि यह निरा पोंगापन है, ये फालतू का दिखावा है, फालतू कार्य है, ये गौरा बोलता है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है, सिर पर लटे हैं उसे भी टोपी से ढक लेता है, अपन तो नंगे ही भले। गौरैया अपनी बात पे अड़ी हुई थी और इधर गौरा जो है वो अपनी बात में अड़ा हुआ था, उसे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था। अब वो कह रहा है ये तो निरा पोंगापन है, मैंने पूरी तरह से ये गलत बात है, ये तो फालतू नासमझी है। क्या कि गौरा अब गौरा बोलता है कि आदमी लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, कह रहा है कि लिबास यानी पोशाक, पोशाक से अपनी लज्जा को ही नहीं ढकता बल्कि हाथ पैर जो चलने फिरने के लिए है उसको भी वह दस्ताने और मोजे से ढक लेता है, मतलब कि ज़रूरी जो नहीं है उसको भी वह ढक लेता है, और सिर पे बाल है, बाल जो है उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, उसको भी टोपी पहन के ढक लेता है, अपन तो नंगे भले, कह रहे अपने अपने लिए कह रहा है कि हम लोग तो हम तो नंगे ही भले हैं, बिना पोशाक के ही हम अच्छे हैं। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। गौरी क्योंकि गौरैया इंसान के पोशाक से बड़ी प्रभावित थी, इसीलिए वह गौरे की बात को मानने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं थी। अब वो कह रही है कि उनके सिर पर यानी कि मानुष के सिर पर टोपी कितनी सुंदर लगती है, और अब उसका भी मन टोपी पहनने का करता है, वह भी चाहती है कि वह टोपी पहने। टोपी तो पाएगी कहाँ से। गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का ठाट उलट जाता है, जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उलट उछलते देर नहीं लगती, अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, मेरी मान तो तू इस चक्कर में मत पड़। यहाँ पे टोपी से संबंधित कई मुहावरों का भी लेखक ने बड़ा ही अच्छा प्रयोग किया है, कह रहे हैं कि तू तो अब उसे गौरा समझा रहा है कि टोपी पहनने का तुम्हारा मन करता है तो तुम पाओगी कहाँ से,
तुम टोपी कहाँ से पाओगी? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, कह रहा है गौरा कि टोपी पहनने के लिए भी तो हैसियत होनी चाहिए। जो आदमियों का राजा होता है वह टोपी पहनता है, टोपी पहनना सबके बस की बात नहीं है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का ठाट उलट जाता है? कह रहे हैं कि वह गौरा उसे बताता है कि तुम ये बात जानती हो कि एक टोपी के लिए कितनों का ठाट उलट जाता है। मतलब कि ठाट उलट जाना मतलब उनकी जो औकात है, जो उनका रईसीपन है वो समाप्त हो जाता है, उनकी रईसी जो है समाप्त हो जाती है एक टोपी के लिए। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। यहाँ टोपी उछलना माने इज्जत उतरना, इज्जत जाना, तो मुहावरे के रूप में इसको प्रयोग किया गया है कि जरा सी, वह गौरा उसे बोलता है कि जरा सी चूक हुई नहीं कि, जरा सी कोई गलती हुई नहीं कि टोपी जो है उछल जाती है, यानी कि लोगों की इज्जत उछाल दी जाती है। अब कह रहे हैं अपनी टोपी सलामत रहे, मतलब हमारी इज्जत सलामत, टोपी सलामत रहना, अपनी इज्जत सलामत रहना, ठीक बची रहना। बस इसी फिकर में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। बहुत सारे लोग अपनी टोपी को बचाने के लिए, यानी अपनी इज्जत को बचाने के लिए बहुतों को टोपी पहनाते हैं। टोपी पहनाना मूर्ख बनाने को कहते हैं, टोपी पहनाना मूर्ख। अब आपने देखा यहाँ पे तीन मुहावरों का प्रयोग किया गया है, एक टोपी उछलना और एक टोपी उछलना और दूसरा जो है टोपी सलामत रहना और तीसरा जो है टोपी पहनाना। ठीक है, तो यहाँ पे टोपी से संबंधित तीन मुहावरे आपने देखे। पहले का अर्थ है इज्जत चली जाना और दूसरे का इज्जत सलामत रहना और तीसरे का अर्थ है कि टोपी पहनाना यानी किसी को मूर्ख बनाना। इस प्रकार आगे वो कहता है कि अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, यानी कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए बहुतों को टोपी पहनानी पड़ती है, बहुतों को मूर्ख बनाना पड़ता है। मेरी मान तो इस चक्कर में तू मत पड़। गौरा जो है गौरैया से कहता है कि तुम मेरी मानो, इस चक्कर में मत पड़ो, इस तरह की मूर्खता मत करो, टोपी पहनने की बात मत करो, क्योंकि टोपी पहनना हमारे बस की बात नहीं है। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाह वहीं राह। अब गौरैया कह रहे हैं कि गौरैया समझदार था, गौरैया के अंदर समझ थी, जो नर गौरा था उसके अंदर थोड़ी समझदारी थी, तो इसीलिए वह जो है अपनी बात को मनवाना चाहता था और अपनी बात पे अड़ा हुआ था। और दूसरी बात, समझदार होने के साथ साथ वह शक्की दिमाग का भी था, मतलब शक्की यानी कि उसे शंका होती थी कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए या कुछ पहले से ही वह कुछ अंदेशा उसको हो जाता था। तो कह रहे हैं, और दूसरी तरफ गौरैया जो है थी वह जिद्दी थी, माने जो, और धुन की पक्की, जो उसको धुन लग गई, जिस बात की उसे लगन लग गई, जिस बात को उसने ठान लिया उस बात को वो करने की पूरी तरह भरपूर चेष्टा करती थी। ठान लिया सो ठान लिया, यानी कि गौरैया ने अपने मन में अगर किसी बात को करने की ठान ली तो उस कार्य को वो करती ही थी, चाहे कैसे भी वह करे। जबकि उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया, और जो वो बात अपने मन में निश्चय कर लेती थी उसको अपने जीवन का लक्ष्य मान लेती थी, और इस प्रकार लक्ष्य मानकर वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए पूरी तरह भरपूर प्रयत्न करती थी। अब लेखक ने एक मुहावरे का इसी संदर्भ में प्रयोग किया है, जहाँ चाह वहीं राह। मतलब गौरैया के लिए उन्होंने एक मुहावरे का प्रयोग किया है, जहाँ चाह वहीं राह, यानी जो आदमी चाहे
उससे वह राह जरूर निकाल लेता है। तो गौरैया के लिए भी ये मुहावरा पूरी तरह से सटीक बैठता है कि उसके मन में टोपी पहनने की इच्छा हुई तो उसके अंदर उसकी चाह की उस चाह को पूरा करने के लिए उसने राह निकाल ली, उसे उसके सामने राह निकलती गई राह, और वह आगे की ओर अपने जिद को पूरा करने के लिए आगे की ओर बढ़ती चली गई, क्योंकि उसके अंदर एक लगन थी, एक धुन थी जो वो ठान लेती थी उसे वह अवश्य पूरा करके ही दम लेती थी। आगे कह रहे मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर दाना चुगने गए। मामूल के मुताबिक माने जो उन्होंने अपने मन में योजना बना ली थी, योजना के मुताबिक, योजना के अनुसार, मुताबिक माने अनुसार, योजना के अनुसार वह जो बात उन लोगों ने जो बात कि उन्होंने जो योजना बनाई थी उसके मुताबिक उसके अनुसार घूरे यानी कूड़ा, कूड़े का ढेर, घूरे यानी कि कूड़े का ढेर करें, घूरे पर चुगने निकले, घूरे कूड़े के ढेर में दाना चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला, रुई का एक टुकड़ा, फाहा यानी कि टुकड़ा। जब वो दाना चुग रही थी घूरे पर, घूरे यानी कि घूरे यानी कि कूड़े का जो ढेर है वहां पे जब वो दाना चुग रही थी तो उसे एक मिला रुई का टुकड़ा, फाहा यानी कि रुई का टुकड़ा। मिल गया। गौरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अब उसे क्योंकि उसकी जो उसका जो लक्ष्य था उसका उस लक्ष्य के अनुसार उसको रुई का फाहा मिल गया था, अब इसी खुशी में वह खुशी से उतावली होकर के मिल गया करके बोलती हुई घूरे पर लौटने लगी। मैंने कूड़े का जो ढेर था उसी पे खुशी के मारे लौटना शुरू कर दी। लौटना यानी कि उसी में बदन को आगे मैंने लेटना और उठना इस तरह का वो इस तरह की क्रियाएं करने लगी। अरे क्या मिल गया रे, गौरे ने चिहा कर कहा। अब आगे करें कि मिल गया जुगाड़, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रूही का फाहा धर दिया। अब आगे बोल रहे हैं कि चिहा कर मतलब चिढ़ा कर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वो जो है गौरा जब उसकी बात सुनता है तो वो कहता है कि क्या मिल गया रे, क्या तुझे मिल गया कि तुम इतना खुश हो गई हो। तो वह बोलती है कि मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया, माने जो टोपी पहनने का जो की जुगत है, टोपी पहनने के लिए जो हमने प्रयास किया था उसकी जो वो प्रयास है उसका प्रारंभिक रूप हमें हमारे सामने आ गया, उसका जुगत हमें मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया, रुई का जो टुकड़ा है उसको गौरैया ने उसके सामने रख दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गौरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छुटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जिन। अभी भी गौरे को विश्वास नहीं होता है और वह हर संभव प्रयास करता है कि गौरैया अपना जो निश्चय बनाई है टोपी पहनने का वो उससे वह बाज आए, वह उस टोपी के लिए प्रयास न करे। उसको कहता है कि तुम्हारी तरह ही एक पागल था, तेरे जैसा ही एक बावरा यानी कि पागल, जिसके गौरा बोला। रास्ते में चलते उसे अचानक एक चाबुक मिल गया, चाबुक जिसे जानवरों को बस में करते हैं उसे बोलते हैं चाबुक। तो चाबुक था बड़ा उम्दा मने बहुत अच्छे कोटि का और लचकदार, उसमें एक लचक थी
लचीला था। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर वह गिर गया था, शायद किसी घुड़सवार के हाथ से वह छूट गया था और छूटकर गिर गया था। किसी व्यक्ति को मिला जो कि बड़ा ही बावरा था। अब वो कहता है कि चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, वह जो इंसान था वो चीखना शुरू कर दिया कि चाबुक तो मिल गया, अब बाकी बचा तीन घोड़ा लगा जिन, यानी कि तीन हमारे हमें चाबुक मिल गया, अब हमारे हमें घोड़ा चाहिए, घोड़े की लगाम चाहिए और उसके ऊपर रखने के लिए जिन चाहिए। तो जब हमें एक मिल गया तो बाकी तीनों भी हमें मिल जाएगा। वो भी तुम्हारे तरह ही पागल था कि एक रुई के फाहे को लेकर के तुम टोपी का जुगत मिल गया, इस खुशी में बावली हो रही हो। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। अब वो कह रहे कि वो तो पागल था, उसको इतनी समझ नहीं थी, उसे हाथ में चाबुक तो मिल गया परंतु ना घोड़ा रास्ते में मिलेगा, ना उसका चाबुक मिले, उसका ना लगाम मिलेगा और ना तो उसकी जिन मिलेगी। लेकिन वह बावरा था, उसको समझ में आता नहीं था। इसी तरह से तुम हो और तुम भी उसी तरह से ऐसा ही कर रही हो जैसा कि वह बावरा कर रहा था, रटता जा रहा था कि बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जिन। जैसे कि एक चाबुक पा करके वो पूरी कल्पना में खोया हुआ था कि उसे और ये चाबुक मिल गया तो उसे तीन चीज और भी मिल जाएगी, तो उसी तरह की हरकत तुम भी कर रही हो। लेकिन ये समझ लेना कि ये तुम्हारा निरा पागलपन है, इससे तुम्हें प्राप्त होना संभव नहीं है। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? गौरा उसे समझाता है कि ये जो तुम रुई का फाहा लेके आई हो और तुम इतना खुश हो रही हो, तो तुम्हें कुछ पता है कि ये सफर कितना लंबा है, इसको तुम्हारे लिए प्राप्त करना कितना कठिन है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और उसे मनुहार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को ढूंढ दो। अब गौरैया जो है किसी तरह से भी मानने वाली नहीं थी, वह जो है हर संभव टोपी का जो उसका दृढ़ निश्चय है टोपी पहनने का, उसे वह पूरा करने में ही वो अपनी पूरा प्रयास लगा दी थी, पूरे प्रयास से वह जुट गई थी। कह रही है तुम बस हमें देखते जाओ, मैं रुई का फाहा लेकर के कैसे टोपी तक पहुंचती हूँ। अब उस रुई के फाहे को लेकर के वह दुनिया के पास गई। दुनिया यानी कि जो रुई ढूंढता है, रुई ढूंढने वाले को दुनिया कहते हैं। तो कह रही है कि वह जा करके दुनिया वाले से बड़े मनुहार से बोली, मनुहार मतलब निवेदन करते हुए उसको बोलती है, मनुहार मतलब बहुत ही उसको विनम्रता से उसको निवेदन करती है कि दुनिया भैया इस रुई के फाहे को ढूंढो। रुई को जब ढूंढते हैं तो उसका रेसा अलग हो जाता है और उसमें से सारी गंदगी निकल जाती है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि वह जो है बड़े विनम्रता पूर्वक बड़ी निवेदन से वह जो है उससे कहती है कि दुनिया भैया तुम इसे ढूंढ लो। बस दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी मिर्जई पड़ी हुई थी। पर कि जब वो दुनिया के पास गई तो वो कहती है कि जब उसे मनुहार करके बोलती है तो देखती है कि दुनिया के कपड़े एकदम फटे हुए थे और वह जो है एकदम चिथड़े हुए थे, मतलब तार तार हो गए थे और जाड़े का दिन था। एक जो भी वस्त्र वो पहना हुआ था, मिर्जई एक वस्त्र को कहते हैं, तो एक जो वस्त्र पहना हुआ था वह जो है एकदम फटा हुआ था और जबकि जाड़े का मौसम था। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। वह जो है कांपते हुए, मतलब क्योंकि उसका जाड़े का दिन था, उसका कपड़ा फटा हुआ था, उसे ठंड लग रही थी,
तो कांपते हुए वह बोला कि तू यहाँ से जाती है कि नहीं, तू देखती नहीं है कि यहाँ मैं राजा जी की के लिए रुई ढूंढ रहा हूँ उनकी रजाई बनाने के लिए। फिर वो कहती है कि तुम समझती नहीं हो तो मैं जो है राजा जी के लिए एक रजाई मुझे बनाना है, मैं रुई उनके लिए ढूंढ रहा हूँ। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है और जो जाम का दाम चलाता है, कह रहे हैं कि वह जो दुनिया है वह बहुत राजा से परेशान था और कह रहा है कि एक तो राजा यहाँ का ऐसा है जो कि चाम का दाम चलाता है, यानी कि काम का दाम नहीं बल्कि चाम का दाम, चाम यानी चमड़े के दाम को पर दाम चलाता है। मतलब राजा बहुत निर्दयी किस्म का है, यहाँ का राजा ऐसा है जो कि ये नहीं देखता कि हमारी प्रजा कैसी है। ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई ढूंढवाने, फोकट बने बिना पैसे का, मुफ्त में, फोकट यानी कि मुफ्त में, तुम जो है उसके बाद जो मुफ्त में आ गई हो रुई ढूंढवाने के लिए। तुमको समझ में नहीं आता, एक तो राजा का काम मैं मुफ्त में कर रहा हूँ और दूसरी बात तुम आ गई हो, तुम भी मुफ्त में काम करवाना चाहती हो। अब उर्ज न करो भैये, गौरैया बोली, उर्ज न करो भैये यानी कि चिंता न करो भाई, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, तुम्हें मैं पूरा मेहनताना दूंगी।